जान दिया टूटिया दिलां दिया खोटिया दिलां दिया दिलां दिया खोटिया अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ आपका होस्ट AR गुल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बरेसग़ीर पाक व हिंद के नामवर मौसीकार फिरोज़ निज़ामी के हवाले से बातचीत करेंगे। फिरोज़ निज़ामी जो दुनियाए मौसीकी में एक बड़ा मुतबर हवाला है, उनकी बनाई हुई धुनें और नगमात आज तक सुपरहिट हैं। नाज़रीन, 15 नवंबर फिरोज़ निज़ामी की ज़िंदगी और उनके इंतकाल के हवाले से बड़ी अहमियत की तारीख है, क्योंकि शायद ये फिल्मी दुनिया की वाहिद शख्सियत हैं जो 15 नवंबर 1910 को पैदा हुए और 15 नवंबर 1975 को ही इंतकाल कर गए। यानी जिस दिन उनकी पैदाइश हुई उसी तारीख को उनका इंतकाल भी हुआ। आज 15 नवंबर को उनकी 46वीं बरसी मनाई जाएगी। फिरोज़ निज़ामी ने इस्लामिया कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से MA करने के बाद वो इस फील्ड की तरफ आए। मौसीकी से तो उन्हें शुरू से ही लगाव था और वो दौराने तालीम भी उस्ताद अब्दुल वहीद केरानवी से मौसीकी की तरबियत हासिल करते रहे। 1948 में जब ऑल इंडिया रेडियो की नशरियात का आगाज़ हुआ तो मास्टर फिरोज़ निज़ामी लाहौर से इंडिया चले गए, जहां उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पाकिस्तान में मुलाजमत की। वो कलकत्ता और लखनऊ के रेडियो पर भी अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। तो फिरोज़ निज़ामी ने बतौर प्रोड्यूसर, रेडियो प्रोड्यूसर की हैसियत से दिल्ली और लखनऊ में रेडियो के जो प्रोग्राम थे वो बहुत सारे प्रोग्राम किए। बतौर प्रोड्यूसर वहाँ पर मुलाजमत की। उसी दौरान वो वहाँ से बम्बई चले गए। बम्बई में मास्टर ग़ुलाम हैदर और उस्ताद झंडे खान जैसे नामवर असातिज़ा की ज़ेर तरबियत, उनकी सोबत में रहकर उन्होंने वक्त गुजारा और वो कुंदन बन गए। उन्होंने वहाँ भारत में रहकर जिन फिल्मों का म्यूज़िक दिया उनमें विश्वास, उमंग, उस पार, शरबती आंखें, अमर राज, नेक परवीन, पति सेवा और इस तरह की दीगर फिल्मों का म्यूज़िक दिया। उसके बाद वो लाहौर चले आए। बम्बई में उनकी जो सबसे हिट फिल्म थी उसका जिक्र करना मैं भूल गया, सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने बम्बई में जो फिल्म बनाई उसका नाम था जुगनू। जुगनू में मलका तरन्नुम नूरजहां और
मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत बहुत सुपरहिट हुआ था, जिसके बोल थे, यहाँ बदला वफाओं का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है। ये जो दो गाना था नूरजहां और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, जो आज तक सुपरहिट है, और इसी फिल्म का एक और नगमा भी बहुत मकबूल हुआ था, जिसके बोल थे, हमें तो शाम गम में काटनी है ज़िंदगी अपनी। जी, ये गाना भी काफ़ी पसंद किया गया था। उसके बाद फिरोज़ निज़ामी पाकिस्तान चले आए, लाहौर आकर उन्होंने यहाँ बनने वाली फिल्मों की मौसीकी दी। पाकिस्तान में बतौर मौसीकार उनकी पहली फिल्म हमारी बस्ती थी, जिसमें 10 नगमात थे, और ये सारे नगमे नामवर शायर मुशीर काजमी ने लिखे थे। लेकिन चूंकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, इसलिए इस फिल्म का म्यूज़िक भी हिट ना हो सका। फिरोज़ निज़ामी को 1951 में मलकर तरन्नुम नूरजहां की बतौर हिदायतकारा पहली और आखिरी फिल्म चनवे से शोहरत मिली। इस फिल्म के जो नगमात थे वो तमाम के तमाम सुपर हिट हुए। अगर हम देखें तो बम्बई में भी फिरोज़ निज़ामी को शौकत हुसैन रिज़वी की फ़िल्म जुगनू से शोहरत मिली, और पाकिस्तान आकर भी उन्हें सैयद शौकत हुसैन रिज़वी की फ़िल्म चनवे से शोहरत मिली। चनवे के अगर हम नगमात का ज़िक्र करें तो नूरजहां की आवाज़ में सुपरहिट होने वाले इस फिल्म के नगमात कुछ इस तरह से हैं। नूरजहां की आवाज़ में सुपरहिट गीत, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, मेरा कड़ के ले गया दिल वे मुंडे असे आल कोटिया, वे मुंडे असे आल कोटिया। ये नगमा जो है इस फिल्म का सुपरहिट था। उसके अलावा इस फिल्म का जो दूसरा नगमा था, चन दे या टोटे या दिला दे या खोटे या, ये गाना भी बहुत मकबूल हुआ। और इसी फिल्म का एक और मकबूल गीत, चंगा बनाया ही सानू खिडोना, ये भी गाना नूरजहां की आवाज़ में था। इस तरह अगर देखा जाए तो फिरोज़ निज़ामी के ये सारे नगमात सुपरहिट साबित हुए। आगे चलते हैं हम फिल्म साज व हिदायतकार सत्येन फजली की फिल्म दुपट्टा की बात करते हैं, जिसका म्यूज़िक फिरोज़ निज़ामी ने दिया था। दुपट्टा फिल्म के भी बेशुमार नगमात सुपरहिट हैं। उनमें जो पहला गीत था, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें चांदनी रातें, चांदनी रातें। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें चांदनी रातें। ये नूरजहां की आवाज़ में सुपरहिट गीत था। दूसरे गाने की अगर मैं बात करूं, तुम जिंदगी को गम का फसाना बना गए, आँखों में इंतजार की दुनिया बसा गए। ये गाना भी नूरजहां की आवाज़ में था। इसी फिल्म का एक तीसरा गाना, मैं बन पतंग उड़ जाऊँ किसी के हाथ ना आऊँ, ये भी काफ़ी बेहतरीन गाना था। और इसी फिल्म का चौथा गाना अगर हम उसकी बात करें, बात तो ही बातों में जी चांदनी रात में, ये गाना भी अपने दौर का बेहतरीन गाना तस्वीर किया जाता है। फिल्म दुपट्टा का एक और सुपरहिट गीत, जिगर की आग से इस दिल को जलता हुआ देखते जाओ। जी नाज़रीन, अगर हम फिरोज़ निज़ामी के नगमात की बात करें तो इतना तवील प्रोग्राम हो जाएगा और उनके सुपरहिट जो नगमात हैं वो ख़त्म भी नहीं होंगे, लिहाजा हम उनकी चंद फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं, जिनकी सदाबहार मौसीकी आज तक लोगों के दिलों में महफूज है। फिरोज़ निज़ामी ने जिन फिल्मों का म्यूज़िक दिया उनमें किस्मत,
राज इंतखाब सोला आने जंजीर मंजिल शरारे सोनी गुलशन मंगोल ये सारी फिल्में शामिल हैं जिनका म्यूज़िक फिरोज़ निज़ामी ने दिया था। फिरोज़ निज़ामी ने बतौर राइटर देखें ये एक उनका इजाफी उनकी काबिलियत थी। मौसीकी की दुनिया में तो उन्होंने अपना नाम बनाया, उसके बाद उन्होंने मौसीकी के हवाले से 3 किताबें तख्लीक की जो उनकी मंदर आम पर आईं। उन 3 किताबों में इसरार मौसीकी, रमूज मौसीकी और सरचश्मे हयात, ये 3 किताबें बतौर राइटर फिरोज़ निज़ामी का आज भी मजबूत हवाला है। फिरोज़ निज़ामी के बड़े भाई सिराज निज़ामी एक अदबी शख्सियत थे, उनका अदब व शेर की दुनिया में एक बड़ा नाम था। जबकि फिरोज़ निज़ामी के छोटे भाई नज़र मोहम्मद वो बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर थे, उन्होंने पाकिस्तानी टीम के लिए बेशुमार क्रिकेट के मैच खेले और अपना नाम बनाया। इसी तरह उनके भतीजे यानी कि क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र की अगर हम बात करें तो फिरोज़ निज़ामी रिश्ते में उनके ताया लगते थे। यूं अगर देखा जाए तो अदब और मौसीकी के साथ साथ क्रिकेट की दुनिया में भी फिरोज़ निज़ामी की फैमिली ने बड़ा नाम बनाया। जी नाज़रीन, तो बात हम कर रहे हैं फिरोज़ निज़ामी की। उनकी बनाई हुई धुनें जिन गुलूकारों ने गाई उनमें अली बख्श जहूर, कौसर परवीन, आयरन परवीन, ज़ुबैदा खानम, मुबारक बेगम, नाहिद नियाजी, सलीम रज़ा, इनायत हुसैन भट्टी, इकबाल बानो, माला और फिर सबसे बढ़कर मलका तरन्नुम नूर जहाँ, जिन्होंने जब भी फिरोज़ निज़ामी की मौसीकी में कोई गाना गाया तो वो सुपर हिट हो गया। आज 15 नवंबर को फिरोज़ निज़ामी की 46वीं बरसी के मौके पर अदबी और सकाफ़ती हलकों में उनकी याद में खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। उन्हें मुख्तलिफ तकरीबात में खराज अकीदत पेश किया जाएगा, जबकि गुलकारियां चैनल की तरफ से फिरोज़ निज़ामी जैसे बड़े नाम को एक नजराना अकीदत पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आएगा, अपनी राय भी हमें दें, हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें ताकि ये चैनल इसी तरह आपके लिए फिल्मी दुनिया की खूबसूरत यादें आपसे शेयर करता रहे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।